भारत से वनडे सीरीज हारने के कुछ देर बाद ही ऑस्ट्रेलिया कप्तान का आया बड़ा बयान। कंगारुओं ने देखी वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की ताकत, अकल आ गई ठिकाने। सीरीज हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया कप्तान को सताया, सूपड़ा साफ होने का डर। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम को इंदौर में खेले गए दूसरे मुकाबले में 99 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए कंगारू बॉलर्स को काफी मार पड़ी। ऑस्ट्रेलिया की साधारण गेंदबाजी के कारण टीम इंडिया ने स्कोर बोर्ड पर 399 रन लगा दिए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इस लक्ष्य को चेज नहीं कर सके और 217 रनों पर ढेर हो गए। इस मैच में मिली हार के बाद स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम को लताड़ लगाते हुए बड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मिली हार के बाद कप्तान स्टीव स्मिथ काफी निराश नजर आए। उन्होंने इस हार का ठीकरा बारिश के ऊपर फोड़ डाला। उनका मानना है बारिश की वजह से पिच स्टिकी हो गई, जिसकी वजह से बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान बातचीत करते हुए बताया, आज शुरुआत में श्रेयस और गिल ने जिस तरह का खेल दिखाया वो शानदार था। उसके बाद राहुल और सूर्या ने वो किया जिसके बारे में हम पहले से ही जानते थे। हमें लगा था पिछले दिन हुई बारिश के कारण विकेट थोड़ा स्टिकी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले कुछ वनडे मैचों में हमें हार मिली है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जल्द वापसी करेंगे। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ को कप्तानी करने का मौका मिला। हालांकि स्मिथ कप्तानी करने में साधारण साबित हुई। उसके बाद जब स्कोर बोर्ड पर 399 रन लग गए तो उसके बाद बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। मैथ्यू शॉट के आउट होने के बाद स्मिथ नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए। उन्हें पता था कि पहली गेंद पर विकेट हो चुका है। उसके बाद भी स्टीव स्मिथ ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में स्लिप में कैच आउट हो गई। उन्हें बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटना पड़ा। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का ये दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके जवाब में केएल राहुल एंड कंपनी ने 50 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 399 रन लगा दिए। हालांकि बारिश की वजह से मैच को 1.5 घंटे तक बाधित होना पड़ा, जिसकी वजह से DLS के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवरों में 317 रनों का टारगेट मिला। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 217 रनों पर ढेर हो गई और भारत को इस मैच में 99 रनों से जीत मिल गई। और इसके साथ ही भारत ने सीरीज पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया कप्तान को सूपड़ा साफ होने का डर सता रहा है। तो आप भी ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ के इस बयान पर अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।